चढ़ा है ऊपर, एवरीवन हैविंग अ ब्लास्ट. प्रिंस के साथ एक फोटो भी नहीं मिला क्योंकि वो इतना नाच रहा है ऊपर. आई हैड टू कैच हिम एंड टेक अ पिक्चर विद हिम. मेरा ओरिजिनल जोड़ी जो मैंने जोड़ीदार जो मैंने बिग बॉस के घर के अंदर एंटर किया. एंड नाउ लुक एट ऑल ऑफ अस, आई थिंक वी हैव बीन द मोस्ट सक्सेसफुल. सबसे सक्सेसफुल सीजन है हमारे यहां से. मैंने यहां से तीन जोड़ियों ने शादी कर दी है, सो शायद पहली हो रही है. और नेवर बिफोर. बहुत खुश है इनके लिए क्योंकि हमने शुरू से इनकी शुरुआत से इनकी जो कहानी यहां से शुरू हुई थी, सफर शुरू हुआ था, हम लोग साथ में उनके साथ थे. तो आज उनको साथ में देख के खुश देख के नाचते हुए बहुत दिल खुश हो रहा है. और वेरी हैप्पी फॉर देम एंड गॉड ब्लेस. गॉड ब्लेस. मेमरीज हमेशा और बॉन्ड हमेशा दिल का होता है, संबंध हमेशा दिल का होता है. और इवन दो हम लोग ज़्यादा मिलते नहीं हैं, आई थिंक वी स्टिल आर वेरी क्लोज. मेमरीज डोंट गो, बॉन्ड्स गो. यस. एंड मैं एक्चुअली अंदर मंदना के साथ ये जोक कर रही थी कि हमारा दोनों ग्रुप्स में से प्रिंस, मंदना, रोशन एंड कीथ का ग्रुप अभी तक है एक साथ. सो द मोस्ट अनलाइकली कैरेक्टर्स. बट या आई थिंक जो फ्रेंड्स आप बिग बॉस के घर के अंदर बनाते हैं, जो फ्रेंडशिप्स, यू कैन नेवर लेट गो ऑफ इट. एंड आई मीन वेयर गुड देखा नहीं मैंने ज़्यादा. हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, हम वापस आए पिछले हफ्ते, तो हमने ज़्यादा देखा. एंड आई थिंक हर साल ऐसे बोलते हैं कि टीआरपी अच्छा नहीं है एंड देन कुछ ना कुछ हो जाएगा घर के अंदर. बिग बॉस हाउस इज लाइक दैट, ड्रामा आ जाएगा. देयर विल ऑलवेज बी समथिंग दैट विल हैपन. थोड़ी टाइम आई थिंक आफ्टर वन मंथ सब लोग पागल हो जाते हैं, तो फिर यू विल गेट योर ड्रामा. आई डोंट थिंक देयर बी एनी टीआरपी प्रॉब्लम. I think it's very good. You know, I support. It's amazing thing that women are confident now and are talking about things that they're not happy about. I think jitni baatein hongi, utni baatein sunchengi. Pehle to hal hoga, but after that things will eventually sort themselves out. So I'm very happy and I'm proud of all the women. I support them. Yeah, I think it's about time that people in our country started speaking about things like this. It's really good. And I know the stories that are out there, you know, we've all heard them behind closed doors. So it's amazing that women have the confidence to come out and speak about it. And I would just say that always remember, even if you might want to doubt, there's a chance that that story is real. And for that slim chance, you have to back that woman up and support her until Absolutely. The truth is found out. Absolutely. Thank you, guys. All right, bye, guys. See you.